अमिताभ बच्चन के कोविड-19 से संक्रमित होने और इलाज के लिए मुंबई के जुहू नानावटी अस्पताल में भर्ती होने के बाद अमिताभ का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो संदेश में अमिताभ बच्चन नानावटी अस्पताल के कोरोना वॉरियर्स यानी डॉक्टरों, नर्सों और तमाम हेल्थ वर्करों की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। इसे शनिवार की रात को अमिताभ के नानावटी अस्पताल में भर्ती होने का वीडियो बताया जा रहा है। लेकिन अमिताभ के इस वीडियो की हकीकत क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये वीडियो 2.5 महीने पुराना यानी कि 23 अप्रैल का है, जिसे अमिताभ ने जारी किया था। दरअसल अमिताभ अपने तमाम टेस्ट और इलाज के लिए आजकल नानावटी अस्पताल में जाना पसंद करते हैं। पिछले साल अक्टूबर महीने में भी अमिताभ इसी अस्पताल में 3 दिनों के लिए भर्ती थे। इससे पहले अमिताभ अक्सर इलाज के लिए मुंबई के बांद्रा के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुआ करते थे। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के बढ़ने के बाद तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों कोरोना वॉरियरों को अपने अपने अंदाज में सलाम कर रही थी। इनमें बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां भी शामिल थीं। खुद अमिताभ और उनके परिवार ने भी प्रधानमंत्री के आह्वान पर थाली बजाकर सभी कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा की थी। मगर बाद में अमिताभ ने नानावटी के स्टाफ के लिए विशेष तौर पर ये वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें मैं डॉक्टरों और नर्सों की तुलना भगवान से करते हुए नजर आ रहे हैं और इस कोरोना से पैदा हुए विषम हालात से जूझने के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया कह रहे हैं। अमिताभ ने अंत में नानावटी अस्पताल की तारीफ में यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि नानावटी अस्पताल में हमेशा उनकी अच्छी देखभाल की जाती है और यहाँ आकर इलाज कराने का उनका अनुभव हमेशा से अच्छा रहा है। बता दें कि शनिवार की देर रात अमिताभ और उनके बेटे अभिषेक बच्चन ने ट्विटर पर पोस्ट के जरिए खुद को कोरोना वायरस होने और नानावटी अस्पताल में भर्ती होने की पुष्टि की थी और इस खबर से हर जानकारी एबीपी न्यूज़ ने सबसे पहले अपने दर्शकों को दी थी।